बेटा हुण आपां 8वीं क्लास का अध्याय 3 चतुर भुजा नूं समझण दी अभ्यास 3.1 का दूजा सवाल करन जा रहे हैं। इस तो पहले असीं पहले सवाल दे विच पंज तरह की साधारण वक्र, बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज बारे सीख्या। हुण इस क्वेश्चन जो कह रहे हैं कि हेठ लिखियां विच किन्ने विकर्ण हन। हुण इत्थे बच्चे बहुत गलतियां करते हैं बेटा। एक उत्तल चतुर्भुज, चतुर्भुज का सवाल तो फिर भी बच्चे सही कर लेंगे ने, लेकिन इस तों बाद जिहड़े सवाल बहु छे भुज या पंच भुज या सत्त अठ भुज आ जाण तो उहदे विच गलतियां दे पक्के चांस हुंदे ने। तो इस करके असी इहनूं डायग्राम बना के नहीं शो करांगे, असी इसनूं डायरैक्ट फार्मूले तो कर लाँगे। हुण एक उत्तल चतुर्भुज विच भुजावां दी संख्या किन्नी हुंदी है? हुण तुहानूं सारिआं नूं पता है कि चतुर्भुज मतलब चार भुजावां वाला, तो भुजावां दी संख्या किन्नी हुई? चार। तो तुहानूं मैं विकर्णां दी संख्या दा फॉर्मूला याद करवा चुका है, शायद तुहानूं याद होएगा। विकर्णां दी संख्या दा फॉर्मूला मैं पहले ही याद कराया है। आ देखो विकर्णी दा संख्या, विकर्णां दी संख्या दा फॉर्मूला सीगा एन एन माइनस तीन बटा दो, जबकि एन की सीगा भुजावां दी संख्या। तो आपां इही फॉर्मूला हुण उस सवाल दे विच लगाउण लगे ने। देखो विकर्णां दी संख्या दा फॉर्मूला की साडा है एन एन माइनस तीन बटा दो, तो भुजावां की संख्या आप पता कर चुके हैं चार है, चार एन की थां भर देना है आप, चार चो तीन गए एक, चार गुणा एक बटा दो, सानू पता दो ना चार कट्ठे गए तो साढ़े को दो विकर्ण आए, तो ये साडा आंसर होएगा बेटा। एक चतुर्भुज विच विकर्ण की संख्या कितनी हो गई? दो हो गई है। क्लीयर? जिदा तुसीं डायग्राम भी बना के देखोगे तो चार भुजावां वाला चतुर्भुज है, आ पहला विकर्ण तो आ दूजा विकर्ण। तो इस तरह असीं फॉर्मूले की मदद नाल कोई भी भुजा वाले बहुभुज का विकर्ण पता कर सकते हैं। जिदा हुण बेटा दूजे भाग विच उन्हें कहा एक सम छे भुज, हुण सम छे भुज अपने आप ही दस रहा, सम छे छे भुजावां वाला बहुभुज, तो भुजावां की संख्या कितनी हो गई? भुजावां दी संख्या हो गई बेटा छे। इस करके हुण विकर्णा दी संख्या दा फार्मूला सानू याद हो चुका है, वो हैगा है एन एन माइनस तीन बटा दो। हुण एन दी थां असीं की भरांगे? छे भरांगे, तो छे छे माइनस तीन बटा दो, छे गुणा तीन बटा दो, छे तिया अठारह बटा दो, दो ना भाग करन दा मतलब हुंदा अद्धा, मतलब नौ विकर्ण होणगे छे भुज बहुभुज विच। लग रही समझ? तीजा भाग हैगा साढ़े कोल बेटा एक त्रिभुज, सारिआं नूं पता त्रिभुज मतलब तीन भुजावां वाला बहुभुज, तां भुजावां दी संख्या किन्नी हो गई? तीन। ते विकर्णां दी संख्या दा फॉर्मूला मैं तुहानूं याद करवा चुका हाँ, एन एन माइनस तीन बटा दो। जदों तुसीं एन नूं तीन भरिया तो तीन गुणा किन्ना आया बेटा? जीरो। वो सारे नूं पता है कि जीरो नाल गुणा करन ते सारा आंसर की आउंदा है? जीरो। मैं तुहानूं याद होएगा पहला जो चैप्टर डिस्कस कर रहे सीगे तां मैं दस्या सीगा कि एक त्रिभुज दा कदे कोई विकर्ण नहीं हुंदा, असी डायरैक्ट भी लिख सकते सीगे, पर जदों असीं एक फॉर्मूले के थ्रू सारे क्वेश्चन कढ़े ने तो फिर इस क्वेश्चन भी इस फॉर्मूले नाल ही कढ़ के देखिए ताकि बार बार कोई चीज़ याद ना करनी पे। तो इस तरह सानू एक पक्का हो गया कि विकर्णा की संख्या कढ़न लई फॉर्मूला है एन एन माइनस तीन बटा दो। तो इस तरह साडा दूजा सवाल जिहड़ा आ वह भी इस अभ्यास का कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है तुहानू वधिया तरीके नाल समझ आ रही होएगी।